पंजाब दे विच भी चर्चा छिड़ी हुई है, कहिंदे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे विच आउणगे और लोगों नूं वड्डा तोहफा दे के जा रहे ने। इस गल च कितनी सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत दे अंदर सरकार बनाऊगी पंजाब दे अंदर। दूसरे पासे जदों किसान अंदोलन चल रहे सीगा, तुसीं पिंडां दे विचों नहीं निकल रहे सीगे, हुण तुसीं जिहड़े हैगे अपनी सरकार बनाउण दीआं गल्लां कर रहे हो, कितें ना होवे कि जिहड़े लीडरां दा विरोध होया संघर्ष दे दौरान उह कितें कह देणा कि टिकटां जिहड़े हैगे हुण मंगण वाले बाहर निकले, डंडे असीं खांदे रहे, लोकां तों कुट्टां असीं खांदे रहे, कपड़े असीं पड़वाउंदे रहे, टिकटां ने जिहड़ियां मलक वर्गे लगे। तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल ते मैं हाँ संजीव गोयल। जिवें ही खेती कानून रद्द होए तां उस तो बाद जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने पंजाब दे विच अपना पैर धरो करन दे लई लगियां होईयां ने, उस तरह हुण बीजेपी जिहड़ी हैगी अपने पैर पसारन लगी हुई है, जिथे एक साल तो वध दा समां हो गया बीजेपी दा विरोध किया जा रहा सी, पर लेकिन हुण खेती कानून रद्द होण तो बाद बीजेपी दे जिहड़े लीडर ने उह पिंडां दे विच निकलने शुरू हो गए ने। चर्चावां इह वी छिड़ रहियां ने कि आउण वाले दिनां दे विच देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े हैगे ने पंजाब दे विच आउणगे और पंजाब दे लोकां नूं एक वड्डा तोहफा जिहड़ा उह दे के जा रहे ने, तां जो पंजाब दे लोकां दा वोट बैंक आ जिहड़ा उह बटोरिया जा सके। साडे नाल इस वक्त डॉक्टर शीशपाल मलिक होरी हैगे ने जो कि एससी विंग दे पंजाब दे स्पोक्समैन ने। गल्लबात करांगे इस वक्त शीशपाल जी नाल। शीशपाल जी, किवें देखदे हो बीजेपी नूं लोक पिंडां दे विच नहीं बढ़न दिंदे सी, बड़ा एक साल तो वध दा समां विरोध किया गया, तुसीं पिंडां दे विच बड़े रहे, मनां दे विच सीगा कि कितें ना कितें पिंडां दे विच जाइए, हुण पिंडां दे विच निकल लगे हो, किस तरह मन दे विच किस तरह उठदे ने भाव? संजीव जी, सब तो पहलां थोड़ा चैनल दा मैं धन्नवाद करदा। इस दे नाल नाल अज तुसीं देख ही रहे हो बीजेपी बूथ पद्धर तो लै के इकाइयां तैयार कर रही है, जिवें यूपी दे विच असीं सरकार बनाई जाए, मतलब वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ी भी स्टेट दे अंदर सरकार बनाई उसी पैटर्न दे आधार ते असीं बूथ कमेटियां जिहड़ियां ग्राउंड लेवल ते तैयार कर रहे हैं। रही गल किसानी संघर्ष वाले बारी गल, वो बिल्कुल जायज सीगी, उन्हां दी जिहड़ी मंग सीगी वो श्री नरेंद्र मोदी जी साडे देश दे प्रधानमंत्री आ, बड़ी सूझबूझ दे नाल अपने लोक हित नूं मुख रखदे होए उन्हां ने वो जिहड़े कानून सीगे वापस ले। तो इस तो बाद जी अज साडा जिहड़े किसान विंग दे जिहड़े आगू है वह भी कह रहे हैं भी साडा भारतीय जनता पार्टी दे नाल किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सो इस करके असी वड्डे पद्धर दे उत्ते मतलब ये मतलब प्रोग्राम लिखा असी इकाइयां बना रहे हैं ते बूथ पद्धर तो लैके उपर तक असीं ग्राउंड लेवल तैयार कर लिया है। जे आपां गल कर लईए पंजाबी दे विच तां बीजेपी जिहड़ी हैगी आ हुण पंजाब दे उपर कब्जा करन जा रही है जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत दे अंदर सरकार बनाऊगी पंजाब दे अंदर। रही गल मतलब मुद्दे दी, किसी भी तरह का मुद्दा है उस दे उत्ते श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बड़ी सूझबूझ दे नाल साढ़े अश्विनी शर्मा जी पंजाब दे जिहड़े अध्यक्ष हैं वो हर मुद्दे दे उत्ते बिल्कुल जवाब देने वास्ते तैयार बर तैयार ने। दूसरे पासे जे आपां गल कर लईए हुण तुसीं सरकार बनाउण दीआं गल्लां कर रहे हो, दूसरे पासे जदों किसान अंदोलन चल रहे सीगा तुसीं पिंडां दे विच्चों नहीं निकल रहे सीगे, हुण तुसीं जिहड़े हैगे अपनी सरकार बनाउण दीआं गल्लां कर रहे हो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जायज़ गल है, असीं पिंडां दे विच जांदे सीगे उत्थे साढ़े मतलब किसान जथेबंदियां घट विरोध करदी सी, विरोधी पार्टियां जिवें कांग्रेस हो गई या अदर पार्टी ज अकाली दल है, अलग अलग पार्टियां साढ़े विरोध दे विच आ जांदे सीगे, सो जिहड़ा अज सारी वो जिहड़े लीडर अपने आप नूं अपना मतलब उच्चा चुकना चाहते सीगे अज श्री नरेंद्र मोदी जी दे नाल गुरपुरब दे उत्ते बिल्कुल वो सारा कुछ सिस्टम सीगा उन्हां दा बंद करता। दूसरे पासे पंजाब दे विच इह वी चर्चा छिड़ी हुई है, कहिंदे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द आउण वाले दिनां दे विच पंजाब दे विच आउणगे और लोकां नूं वड्डा तोहफा दे के जा रहे ने, इस गल च कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जायज़ गल है संजीव जी। रही गल मोदी साहब दे आण ते उहदा पता ही है भी उह जिथे भी जांदे हैं जिवें यूपी दे विच कीता साडा कोरीडोर वाला मामला, जिवें ऋषिकेश दे अंदर, हरिद्वार दे अंदर, जिथे भी गए हैं बनारस दे अंदर किड्डे किड्डे तोहफे दिते हैं, सो इसी तरह पंजाब दे अंदर
यही उम्मीद है कि बड़ा तोहफा देंगे तो बदलाव आऊगा, एक तरह की हनेरी आऊगी, मतलब तूफान के रूप के तब्दीली हो जाऊगी। आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बना लोगे तुसी पर लेकिन कितने ये ना हो जाए दोबारे फिर लोगों वास्ते कोई अजिहा कानून पास कर दन कि हुण तां लोगों ने जिहड़ा हैगा चलो खेड़ा छड्ड भी दिता कि आने वाले समय से लोग दोबारे खेड़ा ही ना छड्डन सरकार दा। सही तो गल ये है संजीव जी, जो भी फैसला लेना साड़ी पार्टी हाई कमांड ने बड़ा सोच समझ के लोग हित नूं मुख रखते हुए कोई भी फैसला करना, लोग हित नूं मुख रखते हुए फैसला करना। पर ये लोग किवें भुलणगे 700 तों वध किसानां दी शहादत हो गई, लंबा समा संघर्ष जिहड़ा चलिया, बजुर्गों ने वड़िया जिहड़ा अत्याचार जिहड़ा हैगा प्रशासन दा वह भी झल्लिया, ठंडा लंघियां गर्मियां लंघियां उन्हां दे उपर दी, ये लोग किवें भुल पाउणगे? सही मायने दे अंदर इस मुद्दे दे उत्ते मैं गल नहीं करना चाहवांगा क्योंकि पार्टी हाई कमांड इस दे मुद्दे दे उत्ते जवाब दे सकती है। तुहाडी जिहड़ी हुण मंग है मेन मंग तुहाडी की हैगी है, पार्टी तों की मंग रखी तुसीं? मैं डॉक्टर शीशपाल मलिक विधानसभा हलका लहरा चो 2002 दे अंदर इलैक्शन लड़िया MLA दा, इस तों बाद मैं वख वख अहुदिआं ते रहा, जिवें हिमाचल दा प्रभारी सह प्रभारी रहा ते हरियाणा दा रहा ते बहुत वधिया कम कीता साहब कंसी राम दे नाल। इस तों बाद अज लगभग असी टोटली समाज साडा श्री नरेंद्र मोदी जी नीतियां तो प्रभावित हो के असी जिन्हें भी साढ़े नाल मतलब सीगे भाईचारा सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर चुका सीगा। इस तो बाद असी एक तरफा ही मतलब चलते हाँ, जेकर कांग्रेस के समय के गल करिए कांग्रेस के नाल रहे, अज असी पूर्ण तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नाल शामिल है पूरा समाज साडा। साडी मंग ये है भी जिमें 34 सीटा ने टोटल पंजाब के अंदर SC वास्ते रिजर्व, 34 दे विचों साढ़े मतलब टोटल 17 तो सीटा सानू वाल्मीकि भाईचारे नूं मिलनी चाहिए है, जिमें साडी रिजर्वरेशन 25% है टोटल रिजर्वरेशन 25% होंदे होए साढ़े 12% मतलब SC भाईचारा रमदासिया नूं है ते अदर नूं है, ते इसी तरह मतलब 12.5% जिहड़ी रिजर्वरेशन है वाल्मीकि ते मजहबी भाईचारे नूं है। सो इसी दे आधार ते असी संविधानिक तौर ते इह मंग करदे हां कि साडे भाईचारे नूं बणदा माण सन्मान मिलना चाहिंदा है बराबर दा, तां कि असी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरा समाज है टोटली समाज मतलब मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चल सके। क्योंकि तुसीं पार्टी तों टिकटां दी वी मंग कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਡੰਡੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? BJP ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? BJP ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ?
अज भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तो लैके उच्च लेवल तक सारी कमेटियां संगठित हो चुकी हैं। तो अज झखड़ आया है एक हनेरी भुचाल का रूप धारण कर चुका। आने वाले समय के श्री नरेंद्र मोदी जी जो 27 तरीक नूं आ रहे हैं, उस तो बाद एक तरह की हनेरी चलूगी। हनेरी दीआं गल्लां कर रहे हो पर जिहड़े विरोधी ने तुहाडे, ओह कहिंदे दो टिकट दो सीटां नहीं पंजाब चों आउंदियां हैगियां बीजेपी नूं। ਐਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਚਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਾਂ, ਟੋਟਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ SC ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਸੰਗਰੂਰ।